रहमान रहीम, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 13, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ लेविंसन माइक्रोबायोलॉजी। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है? स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ किलिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, केमिकल एजेंट क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके बाद फिजिकल एजेंट कौन कौन से और किस तरह से जाके काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को। तो जो स्टेरिलाइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन का मतलब तमाम माइक्रोबियल लाइफ को ख़त्म कर देना, माइक्रोबियल लाइफ, बैक्टीरियल लाइफ सबको ख़त्म कर देना। और आपको एक बात पहले से पता होगी कि जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, तो फिर इनकी जब स्टेरिलाइजेशन की जाती है तो इनकी आउटोक्लेविंग में की जाती है। आउटोक्लेविंग के अंदर जो प्रेशर इतना ज़्यादा रखा जाता है जिसकी वजह से बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग जो या जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाता है। यानी तमाम माइक्रोबियल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देना, बैक्टीरियल स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देना, उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। और डिसइन्फेक्शन का मतलब होता है कि तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय ना कर पाना लेकिन मेजोरिटी को डिस्ट्रॉय कर देना, तो उसको बोलते हैं डिसइन्फेक्शन। ठीक हो गया। और इसके बाद जो तीसरा होता है वो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। स्टैंडर्ड का मतलब यूनिवर्सल, प्रिकॉशंस का मतलब आपने वो क्या काम करना होगा, आपने प्रिकॉशंस का मतलब केयर करना होगा कि आपने जरासीम को हमारी बॉडी के अंदर अंदर ना आने दे। तो स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को यूनिवर्सल प्रिकॉशन भी बोलते हैं। ठीक हो गया। और ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन या यूनिवर्सल प्रिकॉशन तमाम पेशेंट के अंदर की जाती है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किस पेशेंट के अंदर कौन सा किस टाइप का माइक्रोबियल एजेंट है। अब स्टैंडर्ड प्रिकॉशन या यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाती है जो हमें करनी चाहिए ताकि हम जरासीम से महफूज हो सके। तो पहला है हैंड हाइजीन, कि हमने हाथों को बार बार धोना होता है, ठीक है, साबुन से। इसके बाद रेस्पिरेटरी हाइजीन और कफ एटिक्वेट। तो जो कफ एटिक्वेट का मतलब ये होता है कि जब खांसी आए तो अपने जो ओरल कैविटीज को कवर कर लेना। जो तीसरा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है वो है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, के ऐसे इंजेक्शन या नीडल्स को इस्तेमाल करना है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा सेफ स्टरीलाइज है। और इसके बाद चौथा ये है कि जो नीडल या स्कैल्पल यूज़ कर चुके हैं उनको प्रॉपर डिस्पोज करा देना। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। अगर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को हम यहाँ से देखना चाहें तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लिखा होगा कि जो तमाम पेशेंट के अंदर की जाती है, ठीक है, तमाम पेशेंट के अंदर, तो वो क्या होती है, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, इसके साथ कफ एटिक्वेट, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ नीडल्स और स्कैल्पल्स। ये तो बात होगी पेशेंट के लिए, लेकिन अगर पेशेंट के स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड्स या सिक्रेशन को हैंडल करना हो या एक्सपोजर हो इनका, तो कौन कौन सी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की जाती है। ठीक हो गया। तो अगर जैसे ब्लड के एक्सपोजर और सिक्रेशन का या बॉडी फ्लूइड का, तो हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रखने चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में क्या क्या आते हैं, मास्क आता है, फेस शील्ड आती है, गूगल्स, ग्लव्स और गाउन आता है। ठीक हो गया। अगर ब्लड से, सिक्रेशन से और फ्लूइड से वास्ता पड़े हमारा, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। इसके बाद एक और टाइप की प्रिकॉशंस होती है जिनको बोलते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन असल में स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को मजीद सप्लीमेंट कर देती है। ठीक हो गया। और ये उस कंडीशन के अंदर की जाती है जब हमें ये पहले पता हो कि कोई बंदा पहले से बीमार हो गया है और इसके जो बीमारी आगे मजीद फैल सकती है, तो फिर इसको मिनिमाइज करने के लिए जो प्रिकॉशंस परफॉर्म की जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। इसके अंदर कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट और एयरबोर्न आते हैं। ठीक है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस टेबल के अंदर, तो कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट और एयरबोर्न देखने को मिलती है। इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, मिसाल के तौर पर स्टूल की इनकॉन्टिनेंस है, जैसे यहाँ पे कोलेस्ट्रेडियम डोफिसल या नोरो वायरस है, जनरलाइज रैश होता है या फिर ड्रेनिंग वाउंड वुंड, तो फिर ग्लव्स पहनने चाहिए, रूम को डिसइनफेक्ट करना चाहिए। अगर रेस्पिरेटरी वायरस है जैसे इन्फ्लुएंजा है, बोर्डिला पर्टियोसिस है, इसके साथ नाइजेरिया मेनिनजाइटिस है, तो नाइजेरिया मेनिनजाइटिस के इन्फ्लेमेशन को या इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए रूम की डिसइनफेक्शन या फेस मास्क पहनना चाहिए। अगर ट्यूबरक्लोसिस है, अगर हवा के अंदर है पहले से, ठीक है। ये था कॉन्टैक्ट वाला, तो कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए अपने ग्लव्स पहनने हैं, गाउन पहनना है, रूम की डिसइनफेक्शन करनी है। रूम की डिसइनफेक्शन तीनों के अंदर है, कॉन्टैक्ट के अंदर भी है, ड्रॉपलेट के अंदर भी है और एयरबोर्न के अंदर भी है। इसके साथ जो कॉन्टैक्ट वाले में इजाफी आ जाएगा ग्लव्स और गाउन पहनना, ड्रॉपलेट वाले में आपने फेस मास्क पहनना ताकि वो आप इनहेल ना कर पाए, और एयरबोर्न के अंदर दोबारा इनहेलेशन को प्रिवेंट करना है तो फिर आइसोलेशन रूम, नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए, फेस मास्क इस्तेमाल करना चाहिए या फिर फेस शील्ड इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये था स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस जो उन पेशेंट के अंदर परफॉर्म की जाती है जिनके अंदर पहले से पता हो कि इसके अंदर
ये बीमारी है और ये फैल सकती है। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्टीरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टीरिलाइजेशन का मतलब होता है तमाम माइक्रोबियल लाइफ को खत्म कर देना और यहाँ तक कि बैक्टीरियल स्पोर को भी रिमूव कर देना, क्योंकि बैक्टीरियल स्पोर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और वो आम बॉइलिंग वाटर जिसको जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है उससे डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, 15 LB का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है 15 मिनट के लिए, और हम यहाँ पर बॉइलिंग स्टीम देते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर। तो इस टेम्परेचर के ऊपर, इस प्रेशर के ऊपर और इस टाइम ड्यूरेशन के ऊपर बैक्टीरियल स्पोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मॉइस्ट हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनके स्टीरिलाइजेशन करते हैं थायलीन ऑक्साइड गैस से, और कुछ जो लिक्विड्स होते हैं उनके स्टीरिलाइजेशन करते हैं फिल्ट्रेशन से। तो हमने उसको लास्ट में पढ़ना है। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोबियल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देना, लेकिन 100% लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो सकती हो, तो उसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन। ठीक हो गया। अब डिसइंफेक्शन में कुछ माइक्रोब्स या कुछ बैक्टीरियल स्पोर्स सर्वाइव कर सकते हैं। अब डिसइंफेक्शन वेरी करती है कि आपने किस जगह पर डिसइंफेक्टिव एजेंट यूज़ किया है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन का मतलब, डिसइंफेक्शन का मतलब होता है बैक्टीरिया के नंबर को इतना ज़्यादा कम कर देना कि वो डिजीज़ ना फैला सके, लेकिन स्पोर और बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकती है। जिस तरह वाटर सप्लाई या वाटर की जो डिसइंफेक्शन होती है वो क्लोरीन की वजह से होती है। स्किन की डिसइंफेक्शन होती है वेनी पंक्चर, यानी जब वेन्स को पंक्चर करने से पहले जो स्किन की डिसइंफेक्शन होती है वो 70% एथेनॉल से होती है। ठीक हो गया। और वो ऐसे डिसइंफेक्टेंट जो माइल्ड होते हैं और इनको आप स्किन के ऊपर या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह 70% एथेनॉल, तो उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि माइल्ड होती है 70% एथेनॉल। ठीक हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं हम रेट ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है। अब रेट ऑफ किलिंग, जितना ज्यादा माइक्रोब्स की किलिंग हो रही है रेट, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ सर्वाइवल। जाहिर सी बात है कि जितने माइक्रोब्स मर गए, तो जितना ज्यादा मर गए होगे तो उतने ही कम बाकी रह गए होगे। ठीक हो गया। तो जो रेट ऑफ किलिंग होती है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो एन है, ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ सर्वाइवल या नंबर ऑफ सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म, और नंबर ऑफ सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी टी। सी का मतलब कंसंट्रेशन और टी का मतलब टाइम। मतलब अगर हम डोज की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो जो माइक्रोब्स की किलिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और जो माइक्रोब्स का नंबर बाकी जो रह जाएगा वो कम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं तो फिर माइक्रोब्स की किलिंग ज़्यादा हो जाती है और जो माइक्रोब्स का नंबर काफ़ी कम हो जाएगा। जो सी टी है, इस पैरामीटर को मिला के हम डोज लिख सकते हैं। तो मतलब जो नंबर ऑफ सर्वाइविंग बैक्टीरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोज के। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया डोज वाला फार्मूला। अब हम इसके बाद देख लेते हैं केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट की इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए हम एक रेशो लेते हैं जिसको बोलते हैं फिनोल कोफिशिएंट। मतलब हम जिस केमिकल एजेंट के इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम इसको फिनोल से कंपेयर करेंगे। फिनोल की एक स्पेसिफिक होती है, तो जो फिनोल जितने बैक्टीरिया को मार सकता है तो उसकी इफेक्टिवनेस 1 होगी या कोफिशिएंट 1 होगा, और जो फिनोल से थोड़ा कम होगा तो उसकी हमें थोड़े से कम देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। तो हम इसको फिनोल से कंपेयर करके ये हम इसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं। अब केमिकल एजेंट 3 मैकेनिज्म के जरिए बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पहला मैकेनिज्म ये है कि उनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होते हैं उनकी डिसरप्शन करवा देना। दूसरा मैकेनिज्म ये हो सकता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी डीनेचुरेशन या मॉडिफिकेशन करवा देना। और तीसरा मैकेनिज्म है वो न्यूक्लिक एसिड की मॉडिफिकेशन या करवा देना। अब मॉडिफिकेशन पढ़ने से पहले हम क्लिनिकल यूज ऑफ डिसइंफेक्शन और स्टीरिलाइजेशन देख लेते हैं। मतलब किस क्लिनिकल यूज के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सर्जन के हैंड को डिसइंफेक्ट कराना हो सर्जरी से पहले, तो हम यूज़ करते हैं क्लोरीहेक्सिडीन। अगर सर्जिकल साइट को जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है सर्जरी से पहले उसको डिसइंफेक्ट करना हो तो आयोडोफोर इस्तेमाल करते हैं। अगर स्किन की डिसइंफेक्शन करानी है वेन्यू पंक्चर से पहले या इम्यूनाइजेशन के पहले, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं 70% एथेनॉल। अगर स्किन की डिसइंफेक्शन करानी है ब्लड के कल्चर की वजह से या कोई वैस्कुलर कैथेटर डालने से पहले, तो हमने यूज़ करना है आयोडीन टिंचर। लेकिन आयोडीन टिंचर थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है, तो फिर इसके बाद यूज़ करते हैं 70% एथेनॉल, आयोडोफोर या क्लोरोहेक्सिडीन। यही 3 वाले एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने ईयर की डिसइंफेक्शन करानी हो ऑपरेशन रूम के अंदर, लेकिन जब अभी ऑपरेशन रूम के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो अल्ट्रावायलेट लाइट यूज़ करते हैं। अगर फ्लोर की डिसइंफेक्शन करानी हो तो हम यूज़ करते हैं लाइसोल। अगर स्टेथोस्कोप की डिसइंफेक्शन करानी है तो भी यूज़ करते हैं 70% एथेनॉल। अगर वुंड्स की क्लीनिंग करवानी है तो यूज़ करते हैं हम क्लोरीहेक्सिडीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड और थाइमेरोसोल। अगर हमने जो ऐसे वुंड जो बर्न हो चुके हैं उनकी क्लीनसिंग करवानी है तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हमने ऐसे ब्लड जो स्पिल हो चुका है हेपेटाइटिस बी के और सी के, और हमें पता है कि जो हेपेटाइटिस बी और सी आपस में फैल सकते हैं ब्लड के जरिए, तो जो ब्लड स्पिल है या फिर ब्लड का ड्रॉप होता है उसकी क्लीन अप करानी है, तो फिर हाइपोक्लोराइट इस्तेमाल करती है जिसको क्लोरोक्स भी बोलते हैं। अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की स्टीरिलाइजेशन करवानी है और हीट सेंसिटिव मटीरियल के, तो यूज़ करते हैं थायलीन ऑक्साइड और ग्लूटेराल्डिहाइड।
अगर हमने स्टेरिलाइजेशन करवानी है ऐसे इंस्ट्रूमेंट के जो हीट के सेंसिटिव नहीं होते तो आउटोक्लेव, ठीक है। और अगर हमने इंट्रावीनस सॉल्यूशन या लिक्विड्स की स्टेरिलाइजेशन करानी है तो हम फिल्ट्रेशन करते हैं। और अगर हमने वैक्सीन के अंदर प्रिजर्वेटिव की करानी है, ठीक है, उनको प्रिजर्व ज़्यादा देर तक करवा देना, तो हम यूज़ करते हैं थाइमेरोसोल। क्या यूज़ करते हैं? थाइमेरोसोल या फिनोल, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन देखने वाले हैं एथेनॉल। तो एथेनॉल का हमने कहाँ कहाँ पे देखा था? एक एथेनॉल का यूज़ था स्किन के डिसइंफेक्शन प्रायर टू वेनिपंक्चर, दूसरा यूज़ था डिसइंफेक्शन ऑफ स्टेथोस्कोप, और तीसरा इसका इस्तेमाल था डिसइंफेक्शन ऑफ स्किन प्रायर टू ब्लड कल्चर और इंसर्टिंग वेस्कुलर कैथेटर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे दोबारा उसे वही फंक्शन आ रहा है जो एथेनॉल, इसने काम किस तरह से करना है, इसने सेल मेम्ब्रेन के तो जो लिपिड्स होते हैं उनकी डिसरप्शन करवा देनी है, उनके डिसऑर्गेनाइजेशन करवा देनी है, बल और इसके साथ साथ प्रोटीन की डीनेचुरेशन भी करवा सकता है। तो फिर दो मैकेनिज्म के जरिए काम करेगा, लिपिड्स की डिस इंटीग्रेशन और लिपिड्स की डीनेचुरेशन, सॉरी प्रोटीन की डीनेचुरेशन और लिपिड्स की डिसऑर्गेनाइजेशन। एथेनॉल का फंक्शन क्या था? पहला तो ये कि स्किन के डिसइंफेक्शन में वेनिपंक्चर से पहले, और दूसरा था कि जो स्टेथोस्कोप इसकी डिसइंफेक्शन में, ठीक हो गया। अब दूसरा हम पढ़ लेते हैं वह डिटर्जेंट्स। जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो सरफेस एक्टिंग एजेंट होते हैं, और ये जो हम घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ्लोर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। और हमने यहाँ पे जो देखा था फ्लोर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर एग्जाम्पल थी लाइसोल की, या जिसको बोलते हैं बेंजैलोकोनियम क्लोराइड। अब इसके बाद जो तीसरा कंपाउंड है वो है फिनोल। फिनोल के अंदर एग्जाम्पल आती है क्लोरहेक्सिडीन की। क्लोरहेक्सिडीन क्या है? क्लोरीनेटेड फिनोल है, और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता था? ये हैंड सैनिटाइजर में इस्तेमाल होता था क्लोरहेक्सिडीन, और इसी की तरह जो स्किन की डिसइंफेक्शन होती थी प्रायर टू ब्लड कल्चर और इंसर्टिंग वेस्कुलर कैथेटर, इसमें इस्तेमाल होता था। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता था? इसी के साथ साथ ये जो वोंड्स की क्लींजिंग है इसमें भी इस्तेमाल होता था। तो आप इनके यूजेस को यहाँ से अंडरलाइन कर लेना है टेक्स्ट में से देखकर। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं क्लोरीन की। तो जो क्लोरीन जो होता है स्विमिंग पूल के अंदर जो वाटर होता है उसकी डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अब क्लोरीन करता क्या है? क्लोरीन ने प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करानी है, तो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन इस तरह से कराता है कि क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा देगा। अब जो प्रोटीन के अंदर आपको ये वाला ग्रुप देखने को मिलता है SH ग्रुप, ठीक है, SH ग्रुप। अब H ग्रुप की अब जो इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करवा देगा, हाइड्रोजन को रिमूव करा देगा, तो फिर दो सल्फर आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज बना लेंगे। इस तरह जो प्रोटीन होती है वो इनएक्टिव स्टेट के अंदर चली जाती है। तो ये इस तरह से काम करता है। ऊपर हमने डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखा था, तो फिर वो कौन से तीन मैकेनिज्म है या कौन से तीन एजेंट्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करती है? तो वो अल्कोहल था, वो डिटर्जेंट था, वो फिनोल था। जबकि मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर क्लोरीन आपने पढ़ना है, आयोडीन पढ़ना है, हैवी मेटल पढ़ना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ना है, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड और एथिलीन ऑक्साइड। क्लोरीन कहाँ इस्तेमाल होता है? क्लोरीन इस्तेमाल होता है हाइपोक्लोराइड एजेंट के तौर पर, और हाइपोक्लोराइड एजेंट हमने देखा था कि जो ब्लड स्पिल होते हैं उनके क्लीनअप के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह क्लोरीन इस्तेमाल होता है क्लोरीनेटेड फिनोल को बनाने के लिए, या क्लोरीनेटेड फिनोल या क्लोरहेक्सिडीन, ये जो सैनिटाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्लोरहेक्सिडीन ये वोंड्स की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद है आयोडीन। तो आयोडीन मोस्ट इफेक्टिव स्किन एंटीसेप्टिक एजेंट है, ठीक हो गया, मोस्ट इफेक्टिव एंटीसेप्टिक एजेंट होता है। अब आयोडीन भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसने सल्फाइड्राइल कंटेनिंग एंजाइम की इनएक्टिवेशन करा देनी है। किस तरह से इनएक्टिवेशन? उनके जो SH ग्रुप होता है SH ग्रुप में से H ग्रुप को निकाल देना, जिसकी वजह से दो सल्फर आपस में बॉन्ड बना ले, तो उसको बोलते हैं डाइसल्फाइड इनएक्टिवेशन। अब आयोडीन आप दो तरीकों के जरिए आप सप्लाई कर सकते हो, दो तरीकों के जरिए आप दे सकते हो। पहला होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, दूसरा आयोडोफोर। टिंचर ऑफ आयोडीन होता क्या है? टिंचर ऑफ आयोडीन के अंदर 2% आयोडीन होता है और बाकी जो होता है पोटेशियम आयोडाइड होता है, एथेनॉल के अंदर डिजोल्व होता है। अब टिंचर आयोडीन किस जगह पर यूज था? टिंचर आयोडीन उस जगह पर यूज था कि अगर हम ब्लड कल्चर या फिर जो वैस्कुलर कैथेटर इंसर्ट करने से पहले स्किन की डिसइंफेक्शन करते थे, लेकिन जो टिंचर आयोडीन होता है थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है स्किन के लिए, तो फिर इसको रिमूव करने के लिए एथेनॉल या आयोडोफोर या क्लोरहेक्सिडीन इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा आयोडोफोर। आयोडोफोर क्या मतलब क्या होता है? कि आयोडीन डिटर्जेंट का कॉम्प्लेक्स, और ये कब यूज़ होता है? ये यूज़ होता है सर्जिकल साइट को डिसइंफेक्ट करने के लिए, और कभी कभार ये जब हम स्किन की डिसइंफेक्शन करते हैं, ठीक है, जब स्किन के डिसइंफेक्शन करते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, और आपको बताया था कि जो टिंचर ऑफ आयोडीन है काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग एजेंट होता है, तो फिर टिंचर ऑफ आयोडीन को रिमूव करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं आयोडोफोर, ठीक हो गया। तो ये एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद हैवी मेटल। हैवी मेटल के अंदर आपने मरकरी और सिल्वर, इसका याद रखना है, मरकरी और सिल्वर, इनका फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही होता है कि इन्होंने सल्फाइड्राइल ग्रुप से बाइंड करना है और एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देना है। अब इसके अंदर आपने एग्जांपल लेनी है थाइमेरोसोल की, और इसके साथ आपने लेनी है मर्क्यूरोक्रोम। अब थाइमेरोसोल ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? थाइमेरोसोल एक तो हमने देखा था इस जगह के ऊपर कि
जो वोंड की क्लींसिंग, तो वोंड की क्लींसिंग के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड भी इस्तेमाल हो रहा था और इसी के साथ थाइमेरोसोल भी इस्तेमाल हो रहा था, जबकि सिल्वर नाइट्रेट जो गोनोकोकल इन्फेक्शन होते हैं, गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस, इसके इन्फ्लेमेशन को या इसके इन्फेक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड वुंड्स की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद है फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटरल्डिहाइड। ग्लूटरल्डिहाइड हमने किस जगह के ऊपर पढ़ा था, तो ग्लूटरल्डिहाइड आपको यहाँ से देखा होगा कि ग्लूटरल्डिहाइड ये इथाइलिन ऑक्साइड के साथ मिलकर इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। तो ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को और हीट सेंसिटिव मटेरियल को स्टीरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ग्लूटरल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक हो गया। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल ऐसी है कि इसमें प्रोटीन की डीनेचुरेशन करवा दे रही है। अब इसके बाद है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड ने भी यही काम करना है कि इसने स्टीरिलाइजेशन करवा देनी है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की और हीट सेंसिटिव मटीरियल की। अब लास्ट रह गया वो है एसिड एंड अल्कलीज। एसिड एंड अल्कलीज, सो स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलीज ये क्या करते हैं, प्रोटीन की डीनेचुरेशन कर देते हैं, एंजाइम की डीनेचुरेशन कर देते हैं, ठीक हो गया। अब जो बैक्टीरिया माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसने टीबी कॉज करवाना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है 2% NaOH को, ठीक हो गया। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं, ठीक है, वो वीक एसिड बेंजोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये काफ़ी ज़्यादा बैक्टेरियोस्टैटिक होते हैं। तो यहाँ पर एक MCQ आ सकता है कि जो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये 2% NaOH जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कली होता है उसके खिलाफ रेजिस्टेंट होता है, तो आपने ये MCQ में नोट कर लेना है। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने याद रखना है क्रिस्टल वायलेट या जेंटियन वायलेट। अब इस डाई के अंदर आपको पॉजिटिवली चार्ज डाई मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, और आपको पता है कि जो DNA के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो फिर वहाँ पर जाके बाइंड कर लेते हैं और वहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को ख़राब कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद है फिजिकल एजेंट्स। अब फिजिकल एजेंट्स में हम कह सकते हैं कि फिजिकल एजेंट्स जो डायरेक्ट किसी फिजिकल एनर्जी के जरिए माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करें, तो ये हीट के फॉर्म में हो सकते हैं, रेडिएशन के फॉर्म में और फिल्ट्रेशन के फॉर्म में। अब बात करते हैं हीट। अब हीट को आप तीन तरीकों के जरिए अप्लाई कर सकते हो, एक है मॉइस्ट हीट। अब मॉइस्ट हीट भी दो तरह की होती है, बॉइलिंग और आउटोक्लेविंग, दूसरी हीट होती है ड्राई हीट, और जो तीसरा होता है पास्टुराइजेशन। अब जनरली अगर हम बात करते हैं हीट, हीट किस तरह से किल करती है, हीट का मतलब टेम्परेचर, तो वो ना सिर्फ प्रोटीन की डीनेचुरेशन बल्कि मेम्ब्रेन को डैमेज भी कर सकती है और न्यूक्लिक एसिड को भी डैमेज कर सकती है। इन शॉर्ट इसका जो हीट का मैकेनिज्म होता है वो तीनों की वजह से होता है, प्रोटीन को डीनेचुरेशन कर देना, न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर देना, और इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की डीनेचुरेशन, सेल मेम्ब्रेन की डिसरप्शन और न्यूक्लिक एसिड की मॉडिफिकेशन। अब हमने कहा था कि जो हीट तीन तरह की होती है, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट और पास्टुराइजेशन। जो मॉइस्ट हीट होती है, मॉइस्ट हीट स्टरीलाइज कर देती है लोअर टेम्परेचर को, यानी इसके लिए कम टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि जो वाटर होता है वाटर ही इनफ होता है नॉन कोवलेंट बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करता है। अब दूसरा वह है आउटोक्लेविंग। आउटोक्लेविंग का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर पर, आपको पता है कि जो नॉर्मल जो एटमोस्फेरिक प्रेशर 180 और यहाँ पर जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर भी बैक्टीरियल स्पोर्स रेजिस्टेंट होते हैं, तो फिर हमें एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर हम 15 तक ले जाते हैं, तब टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर 121 तक चला जाता है, और ये 15 से लेकर 20 मिनट तक परफॉर्म करते हैं। इसकी वजह से यह होता है कि जो कोलेस्टेडियम वाली जो क्लास है, इसके जो स्पोर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट थे, वो भी आउटोक्लेविंग से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा मैकेनिज्म है पास्टुराइजेशन। पास्टुराइजेशन मिल्क के लिए परफॉर्म की जाती है, क्योंकि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स होती है वो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर डीनेचर हो जाती है, तो फिर मिल्क की पास्टुराइजेशन परफॉर्म की जाती है 62 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आधे घंटे के लिए, ठीक हो गया। और दूसरा मैकेनिज्म होता है फ्लैश पास्टुराइजेशन, तो वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए की जाती है, लेकिन 15 सेकेंड के लिए, ठीक हो गया। इसका मेन फायदा क्या होता है, इसका मेन फायदा यह होता है कि जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं मिल्क बोन पैथोजन के, जैसे माइकोबैक्टीरियम, सेल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस, लिस्टेरिया, ब्रुसीलिया, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मिल्क के अंदर। अब इसके बाद जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है रेडिएशन फिजिकल एजेंट के अंदर। अब रेडिएशन दो तरह की होती है, अल्ट्रा वायलेट और एक्स रेस, और हमने पहले से पढ़ा था कि जो यूवी रेस और एक्स रेस होती है ये थायमिन डायमस बना लेती है, या फिर कोई जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड या डबल न्यूक्लियोटाइड की एक्सीजन करवा देती है, तो इनको डिस्ट्रॉय करके ये रेडिएशन काम करती है। और तीसरा मैकेनिज्म है फिल्ट्रेशन, ठीक हो गया। फिल्ट्रेशन के अंदर ये करती है कि जो जो फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं वो होता है नाइट्रोसेलुलोज। नाइट्रोसेलुलोज का पोर साइज 0.22, ठीक हो गया। अब ये साइज तमाम बैक्टीरिया और स्पोर को रिटेन कर लेगा, उनको जाने नहीं देगा, ठीक हो गया, उनको ट्रैप कर लेगा। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन काम आती है, और फिल्ट्रेशन इंट्रावीनस फ्लूड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी लिक्विड्स के लिए फिल्ट्रेशन परफॉर्म की जाती है, ठीक हो गया। जबकि रेडिएशन एक्स रेस और अल्ट्रा वायलेट रेस ये उन
मटेरियल के लिए यूज़ की जाती हैं जो हीट के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर इनकी हीट से स्टीरिलाइजेशन की तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन हीट सेंसिटिव के लिए ही परफॉर्म किए जाते हैं। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है अल्ट्रावायलेट लाइट का और एक्स रेस का, कि ये बैक्टीरिया के डीएनए को और दूसरे माइक्रोब्स के डीएनए को डैमेज कर देती है, तो इस तरह से ये अपना काम करती है। ये था इस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।